तुम्हारों के लिए आज हम बनाएंगे झटपट से बनने वाली हेल्दी और एकदम हेवनली टेस्ट वाली ये मिठाई, जिसे खाकर आप खो ही जाएंगे। तो चलिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा और श्रद्धा फूड गैलरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बना लेते हैं आज की आसान सी रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप और आधा कप, 1.5 कप बेसन और उसमें 1/4 कप हम सूजी डालेंगे। दोनों को अच्छे से छान लेंगे हम मिलाकर, ताकि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें कुछ गुठली वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो बेसन में कुछ गुठलियाँ होती है, तो इस प्रकार से छानने से वो निकल जाती है और हमारा बेसन एकदम बढ़िया सा फ्लफी हो जाता है। अब हम बनाएंगे अखरोट वाली ये बर्फी, तो इसलिए अखरोट इसके लिए मैंने 1 कप लिए हैं। इसे अच्छे से भून लेंगे, इसमें ड्राई रोस्ट ही करना है और इसे निकाल लेंगे और ठंडा करके इसे पीस लेंगे एक मिक्सर जार में। थोड़े से हम अलग रख देंगे इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए, और बाकी सारे को हम इसमें पीस लेंगे। अब एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें ये अखरोट को हम डाल देंगे और इसे पल्स मोड पर धीरे धीरे पीसना है, नहीं तो इसका तेल निकल जाएगा। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1/4 कप मैंने ये घी लिया है, ये गाय का घी लिया है मैंने। इसे गर्म कर लेंगे और हमने जो बेसन और सूजी का मिश्रण बना कर रखा है उसे इसमें डाल देंगे और धीरे धीरे से बिल्कुल स्लो फ्लेम पर सेकेंगे। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा गाढ़ा होगा, उसके बाद में जैसे जैसे ये सीखता जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जाएगी, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये अच्छे से सीख रहा है। तो इस तरह से हमें रोस्ट करना है, ये पहले इस तरह से डो जैसा होने जाएगा और जैसे जैसे ये सीख आता जाएगा वैसे वैसे इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जाएगी। ये देखिए इस तरह से, और ये जब अच्छे से सीख जाएगा तो ये बिल्कुल घी छोड़ देगा। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ में इसे धीमी आंच पर सेकना है हमें इस तरह से। ये देखिए बहुत जल्दी सीख जाता है बेसन, और इस तरह से इसे कंटिन्यूस हमें चलाना है। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और एकदम ये फ्लफी हो जाएगा, तो आपको पता ही चल जाएगा और खुशबू आएगी पूरे घर में। अब हम इधर एक टीन तैयार कर लेते हैं जिसमें हम मिठाई को सेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने केक टीन है मेरे पास छोटा वाला, उसको इस तरह से बटर पेपर मैंने इसका सेट कर लिया है, गोल कट कर लिया है और इसमें हम सेट कर देंगे। साइज का मैंने बटर पेपर इस तरह से कट कर लिया है। बटर पेपर लगाने से हमारी जो बर्फी है वो इसमें चिपकेगी नहीं और आसानी से निकल जाएगी। तो इसे भी मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, अंदर से पहले ग्रीस करेंगे, ऊपर से बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसे भी मैंने ग्रीस कर लिया है और एक साइड पर रख देंगे अभी हम इसे। और इधर हमने जो बर्फी ये जो सेक रहे थे बेसन वो भी अच्छे से सीख गया है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और पूरे घर में अच्छे से इसकी महक आ रही है। तो बस इस समय पर हमने जो वॉलनट पीस कर रखे थे अखरोट वो डाल देंगे। तो ये करीब 1 कप जितने हुए हैं हमारे पीस कर, और इसे अब हम डाल देंगे और इसके साथ में इसे भी रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। अब हम इसे मीठा बनाने के लिए गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर डालोगे तो उसकी चाशनी बनाना होगी। इस समय हम गुड़ डालेंगे और ये गुड़ से ये बर्फी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। एकदम धीमी आंच पर इसे हम गुड़ को मेल्ट होगा जब तक इसे सेकना है। तो बस इस तरह से बारीक बारीक कट करके गुड़ डालेंगे तो बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए गुड़ सारा मेल्ट हो गया है और हमारी बर्फी ऑलमोस्ट तैयार भी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा मैं दूध डालूंगी, तो ये 2 टेबल स्पून दूध है और ये मलाई के साथ में ही लिया है मैंने। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका बर्फी का। और इसके साथ में हम थोड़ी सी देर के लिए जब तक दूध एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक हम इसे चलाएंगे। बस हमारी बर्फी बनकर तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, और इसी के साथ में थोड़ी सी मैंने केसर डाली है। इससे कलर भी अच्छा आएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। बस इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और हमने जो केक टीन तैयार करके रखा है उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर डाल देंगे हम। तो ये मैंने अखरोट जो बचा के रखे थे उसे बारीक बारीक कट कर लिया है, और इसी के साथ में पिस्ता की कतरन भी डाली है, और ये सारे मिश्रण को हम इसमें डाल देंगे सेट करने के लिए। सारे मिश्रण को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे प्रेस करते हुए इसे सेट कर लेंगे। ऊपर का जो सरफेस है इसे अच्छे से प्लेन कर लेंगे इस तरह से, स्पेशला की मदद से इसे अच्छे से इसे प्लेन कर लेंगे। तो जैसा हम इसके प्लेन करेंगे वैसा ही ये रहेगा, इसलिए अच्छे से इसके सरफेस एकदम चिकनी इस तरह से कर लेंगे।
अब हम इसके ऊपर थोड़े से हमने जो वॉलनट कट करके रखे हैं, बचा के रखे थे उससे कट कर लिए थे, ऊपर से ये भी डाल देंगे। इसका क्रंची टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा मिठाई में। तो इस तरह से इसके ऊपर हम थोड़े बड़े बड़े टुकड़े करके फैला देंगे और इस अच्छे से प्रेस कर देंगे। अभी ये मिश्रण बहुत ज़्यादा गर्म है तो 10 से 15 मिनट के बाद में इसमें हम कट लगाएंगे, और ज़्यादा टाइम के बाद लगाएंगे तो ये टूट सकती है, इसलिए 10 से 15 मिनट के बाद में ही इसमें कट लगा देंगे। अभी ये सेट नहीं हुई है, इसे सेट होने में 1 से 2 घंटे लगेंगे। तो बस इस तरह से हमें इसमें कट लगा देना है। इसके बाद में 2 घंटे के बाद में हम देखेंगे ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है हमारी बर्फी। अब इसे डिमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये डिमोल्ड हो गई है, हमने नीचे बटर पेपर लगाया था तो बिल्कुल भी ये चिपकी नहीं है। बस इसके जो पीस है हमने कट किए हैं, आप इसे कोई भी प्लेट में भी इसमें सेट कर सकते हैं और स्क्वायर कट कर सकते हैं बर्फी के। इस तरह से मैंने कट किए हैं और अब इसे सर्व कर देते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई दिख भी रही है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा और आपके अनुभव मुझे बताइएगा। मुझे तो ये मिठाई बहुत ही पसंद आई और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो गई है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो आज की रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर भी कीजिएगा। गुड बाय।